हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं रेडीमेड शर्ट की फिटिंग करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो रेडीमेड हम जब शर्ट लेते हैं, ढीली ढाली होती है, तो उसको हम घर में ही आसानी से फिटिंग इसकी कर सकते हैं। तो जो मैं तरीका बताने वाली हूँ बहुत ही आसान है, कोई भी इसकी फिटिंग कर सकता है। तो सबसे पहले आप बटन लगा लें, बटन लगाने के बाद इसको उल्टा कर लें, ठीक है। तो ये बहुत ढीली है, इसकी ही फिटिंग करके मैं दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये देखें, तो इस तरह से उल्टा करके अच्छे से बिछा लें इसे बराबर से, ठीक है। तो बराबर से इस तरह से, चाहे तो प्रेस कर सकते हैं आप, मैं यहाँ इसी तरह से बिछा लेती हूँ इसको। और कोई भी शर्ट आपके साइज की हो उसको रखकर हम इस पर निशान लगा लेंगे। तो ये देखें, इस साइज़ की मुझे बनानी है। तो कंधे तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, तो ये शोल्डर बिल्कुल ठीक है, उन्हें ऐसे ही रहने देना है, कुछ नहीं करना है। साइड से ये लूज है और लंबाई इसकी ज़्यादा है, तो हम लंबाई इसकी कम करेंगे और साइड से इसकी फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अच्छे से बिछा कर इस तरह से निशान लगा देंगे, बिल्कुल बराबर से फिटिंग का निशान, ठीक है। तो दोनों तरफ हम इसी तरह से लगाएंगे, ठीक है, ऐसे। फिर हम बाजू पे अच्छे से बिछाकर बाजू को सीधा करके तो उस पे निशान लगाएंगे। ये देखें, गोलाई देते हुए निशान लगा देंगे बाजू पे, ठीक है। तो ये हमें, अगर आपको बाजू भी लंबाई में छोटी करनी है तो आपको ऊपर से बाजू निकालना पड़ेगी, उसके बाद करेंगे। मेरे को ये ऐसे ही रखनी है, सिर्फ फिटिंग करनी है, तो इस तरह से निशान लगा दें, ठीक है। बाकी ये बाजू ठीक हैं, तो अगर लंबाई आप करना चाहते हैं कम, इस तरह से बाजू हैं, तो मुड्ढों से, शोल्डर से बाजू को अलग करके ऊपर से कटिंग करके इसको हम कर सकते हैं, मगर हम इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने ये निशान लगा दिए। अब हमें लेंथ कम करनी है इसकी, तो उसका निशान लगाएंगे हम, ठीक है। तो आधा इंच कपड़ा छोड़कर, क्योंकि हमें मोड़ना है, तो इसलिए हमने यहाँ एक इंच, लगभग आधे से ज़्यादा एक इंच कपड़ा छोड़कर, मतलब कि कटिंग कर देनी है, निशान लगाना है हमें यहाँ, ठीक है, इस तरह से। और फिर इस कपड़े को हमें कट कर देना है नीचे वाले, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह निशान लगा लें, क्योंकि नीचे से तो हमें मोड़ना है, तो थोड़ा हमने एक इंच ज़्यादा कपड़ा रखा है मार्जिन, और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। तो ये कपड़ा हम कट कर देते हैं, इस तरह से। और साइड से हमें अभी कट नहीं करना है, पहले हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो जो हमने निशान लगाया है ना, उसी पे हमें सिलाई लगानी है, इस तरह से। तो दोनों साइड हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, बाजू आ गई, तो यहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है, ठीक है, तिरछा करके। ये देखिए सिलाई पे, तो अब ये देखिए, दोनों तरफ मैंने इसकी सिलाई लगा दी है निशान लगाकर। अब ये जो कपड़ा है ना, तो अब कट करेंगे, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे, लगभग आधा इंच छोड़कर कपड़े को हम कट करेंगे, ताकि हम फिनिशिंग की जब सिलाई लगाएंगे तो वो मोड़कर हम लगा सकें, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम कपड़े की सिलाई लगाएंगे, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से फिनिशिंग आए, और जो सिलाइयाँ लगती होती हैं ना रेडीमेड में दिखती हैं, वैसे ही सेम हो जाए। तो इस तरह से हम कपड़ा कट कर दे रहे हैं एक्स्ट्रा, और फिर बाकी हम सिलाई लगा कर दिखाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ का कपड़ा कट कर देंगे हम। ये देखिए, कपड़े को मैंने कट कर दिया है। तो पहले हम टॉप स्टिच लगाएंगे, यानी कि सीधा, सीधी साइड से हम बिल्कुल बीच में सिलाई के लगाएंगे किनार पे। तो जो हमारा मार्जिन है ना नीचे का, वो हमने आगे की साइड करके सीधा रख रखा है, ठीक है। बाद में इसी तरह मोड़ कर हमें सिलाई लगानी है, पहले हमें ये टॉप स्टिच लगानी है इस तरह से। तो कपड़े को हम
सेट आगे वाली साइड में रखें, ठीक है, इस तरह से, और फिर बिल्कुल बीच में सिलाई लगा दें फिनिशिंग के साथ, ठीक है, इस तरह से। तो ये दोनों ही साइड हम इसी तरह सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल जो हमारी सिलाई थी ना रेडीमेड की, सेम वैसी ही आएगी, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि हमने ये घर में इसको टाइट किया है या क्या क्या है, बिल्कुल सेम सिलाई आएगी, ठीक है। तो ये मैं दोनों तरफ लगा दी है, तो अब हम इस, ये देखिए ये मैंने लगा दी सीधी तरफ से, तो अब इस कपड़े को हम मोड़ कर सिलाई लगाएंगे अंदर की तरफ, ये देखिए इस तरह से मोड़ते हुए पूरे उसमें सिलाई लगा देनी है हमें, ठीक है। इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते रहेंगे और सिलाई को हमें लगाना है, ठीक है। तो दोनों साइड हम इसी तरह लगा देंगे सिलाई। तो दोनों साइड मैंने सिलाई लगा दी है, ये देखें बिल्कुल वैसी ही सिलाई लग गई है जो थी पहले शर्ट में, ठीक है, इस तरह से। तो अब नीचे का हम हिस्सा मोड़ेंगे, जो हमने छोटी की थी ना लेंथ, उसको हम मोड़ लेते हैं, इस तरह से मोड़ लेना है बिल्कुल। तो मोड़ना कैसे है ये देखिए, कई बार परेशानी होती है मोड़ने में, मगर हमें हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा मोड़ना है, ये देखिए इस तरह से। जब हम थोड़ा थोड़ा रोल करेंगे ना ऐसे, तो ये बिल्कुल साफ़ सिलाई लगेगी एकदम फिनिशिंग के साथ, कहीं झोल झाल कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस तरह से हल्का हल्का मोड़ कर ऐसे करना है, एक साथ बहुत सारा नहीं मोड़ना है, नहीं तो सिलाई ठीक नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से, मेरे तरीके से आप मोड़ते रहें, और यहाँ पर आकर हमें यहाँ से इस तरह हल्का सा मोड़ना है, यहाँ बिल्कुल ऐसे यूँ नहीं करना कि बराबर से हमने मोड़ते आना है, ठीक है, बीच में आकर फिर यहाँ से इस तरह करना है, ठीक है। तो जब इस तरीके से हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा मोड़ कर लाएंगे आप ये, तो ये आसानी से सिलाई फिनिशिंग के साथ लग जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने लगा दी है नीचे की सिलाई भी, और वो बिल्कुल इसकी फिटिंग हो गई है, और अच्छे से फिनिशिंग के साथ सारी सिलाइयाँ लग गई हैं, और बहुत ही आसानी से मैंने ये सेट को फिटिंग कर दिया, आप भी कर सकते हैं। तो ये देखें काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है इसकी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले।